back to my happy space and welcome back to a yet another Amazon haul. आज के वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, those are all different kinds of organizers. और मैंने ये सारे ही प्रोडक्ट्स मंगाए हैं during the Amazon Freedom Sale. All these organizers comes in very handy when you have small space in your kitchen and bathroom. So I'm quickly going to show you what all I have got. मैं सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. You can check it out if you want. इन प्रोडक्ट्स की पिक्चर मैं स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूंगी, either here or this side. So without further ado, let's begin with the video. So the first product is this cabinet door organizer. और ये स्टील मटेरियल का है. दिस इज बाय द ब्रांड MosQuick एंड दिस इज इन द साइज स्मॉल. और इसमें ऐसे दो हुक लगे हैं जिसकी हेल्प से आप इस ऑर्गेनाइजर को किसी भी अलमीरा या किसी भी डोर पे हैंग कर सकते हैं. दिस इज लाइक द वन दैट आई शोड यू इन माय प्रीवियस Amazon हॉल, जिससे मैंने कबर्ड के लिए एक ऑर्गेनाइजर मंगवाया था, उसमें भी ऐसे ही हुक्स थे. यू जस्ट हैव टू हैंग इट ऑन योर कबर्ड एट द टॉप. तो सिमिलरली इसको भी आप किसी भी कबर्ड या किसी भी तरह के डोर पे आप हैंग कर सकते हैं. बस डोर की थिकनेस 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें फिट नहीं होगा. एंड दिस इज द स्पेस दैट यू गेट. मेनली जो भी कैबिनेट्स वगैरह डोर्स वगैरह बनते हैं इन योर किचन और इन योर रूम, उनकी विड्थ 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है. सो इट कम्स इन वेरी हैंडी. आई एम यूजिंग दिस ऑर्गेनाइजर इन माई किचन और इसको मैंने अपने किचन के डोर कैबिनेट जो हैं उसमें हैंग करके लगाया है. आई कीप अ फ्यू ऑफ माई स्पाइसेस हियर जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, लाइक चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, पेपर एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि बॉटल फॉर्म में मैंने रखे हैं, उन सभी को मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके कैबिनेट में हैंग करके रखा है. तो ये दिखते भी नहीं है सामने एंड वेन एवर यू ओपन द कैबिनेट यू हैव अ वेरी इजी एक्सेस टू द आइटम. एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹379. सो आई रियली लाइक दिस फर्स्ट आइटम. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. दिस इज अगेन फॉर माई किचन एंड दिस इज अ टू स्टेप स्पाइस ऑर्गेनाइजर. और ये एग्जैक्टली सिधाई में नहीं है, इफ यू कैन सी एक थोड़ा पीछे है और एक थोड़ा आगे है. इट्स लाइक अ स्टेप. मैं इसमें अपने सारे ऑयल्स वगैरह रखती हूँ ऑन माय किचन काउंटर और इसमें 1 लीटर वाले 3 बॉटल्स आराम से आ जाते हैं. सो यू कैन कीप 3 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर ईच. इससे भी काफ़ी स्पेस सेविंग होती है, चीज़ें इधर उधर नहीं फैली होती हैं. तो आई क्वाइट लाइक इट एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹679. द नेक्स्ट आइटम इज अ फ्रिज ऑर्गेनाइजर. इट इज़ इन अ सेट ऑफ टू और एक ही ब्लू कलर का है एंड द अदर वन इज ग्रीन. देर आर मल्टीपल कलर्स बट यू विल गेट द कलर दैट विल बी अवेलेबल इन द वेयर हाउस एट दैट टाइम. ये प्लास्टिक का है, ये क्लिप्स इसमें अटैच्ड हैं. फ्रिज में जो रैक्स होते हैं ये उसके बीच में लगाने के लिए है. यू कैन फिट दीज क्लिप्स इनसाइड वन ऑफ द रैक और जो दो रैक्स के बीच का स्पेस होता है जो कि मोस्टली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. और इसमें आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं. आई यूज दीज टू कीप माई ग्रीन चिलीज एंड जिंजर इन इट and this was not very costly. It was for ₹170 for 2 sets of these organizers. ये भी काफ़ी useful चीज़ है. Now moving on to the next kitchen organizer. मैंने ये cup holder लिया है. This is the cup holder. I hope you can see. ये है एंड इसमें टोटल 6 कप्स आप हैंग कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर ज़्यादा हो तो आप एक साइड में 2 भी हैंग कर सकते हैं. आई हैव यूज्ड इट दैट वे. द मटेरियल इज स्टील तो ये काफ़ी स्टर्डी है एंड दिस इज द बेस तो ये इजिली रखा रहता है. कितना भी मग्स वगैरह टांग दो हैवी ये हिलता नहीं है अपनी जगह से. इसका बेस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वाइड भी है. ये मैंने अमेजोन से नहीं लिया था, आई गॉट इट फ्रॉम अ लोकल मार्केट बट आई जस्ट वॉन्ट टू इंक्लूड इट बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर. और ऐसे ही कप होल्डर्स मैंने अमेजोन पे भी देखे हैं. सो आई लिंक देम बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बस डिज़ाइन का फर्क होगा थोड़ा बहुत और मुझे चूंकि ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था इस वजह से मैंने ये लोकल मार्केट से लिया. इट कॉस्टेड मी फॉर ₹380. इट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. दिस इज अ लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर और ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है. इसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स पैक था. तो अमेजोन के सभी प्रोडक्ट्स की पैकिंग काफ़ी अच्छी होती है, सभी कार्टन्स में आए थे. सो प्रोडक्ट्स के टूटने का या डैमेज होने का कोई चांस नहीं होता है. आई जस्ट ओपन दिस पैकेजिंग एंड शो इट टू यू. ये एक स्मॉल लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर है. दिस कैन कीप अप टू 9 लिपस्टिक्स या दिस इज द ऑर्गेनाइजर. ऑल दो इसमें बड़े साइजेस भी आते हैं सो यू कैन गो फॉर बिगर साइजेस इफ़ यू वॉन्ट. इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इट्स Acrylic. It's a very good organizer for keeping your lipsticks. I got it for ₹175. So again, very cheap and of very good quality. So I really like that. Now moving on to the last item of this haul. This is an organizer for my washroom. This is the shower caddy. This is white in color और ये एक plastic का है. It's not a cheap plastic. ये काफ़ी sturdy है and इसमें 2 ऐसे racks हैं, spaces हैं सामान रखने के लिए.
and then this is the part where you hang it. As you can see, this is not plastic, this is rubber. Rubber का होने की वजह से इसमें rust लगने का कोई problem नहीं है. In fact, ये पूरा ही rust proof है क्योंकि plastic और rubber material का है. And one of the best part is, इसको आप कहीं भी hang कर सकते हैं. इसमें ऐसे दो hanger बने हुए हैं, in both of them. If you have a shower area, तो आप अपने shower के ऊपर ही hang कर सकते हैं. मैंने भी इसको वहीं hang किया हुआ था. बहुत ही easily hang हो गया और कोई damage का चक्कर नहीं है. It's very light in weight. If you live in a rented apartment, तो इस तरह की चीज़ आपके लिए काफी handy है. And मुझे इसकी quality बहुत पसंद आई. और यहाँ पे ऐसे sections बने हैं to hang certain things अगर आपको कुछ hang करना हो. Like I hang my loofah in this. I got it for ₹679 during the sale. अभी हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो या मे बी सेम प्राइस का हो, आई डोंट नो. आई मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस एज ऑफ नाउ. इसमें चार सक्शन कैप्स भी आते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप लगा सकते हैं आराम से, ताकि आप इसको हैंग कर देंगे तो ये मूव नहीं होगा अपनी जगह से बिकॉज ऑफ दो सक्शन कैप्स. ये टाइल्स में अटैच्ड रहेगा. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स फ्रॉम दिस हॉल. So this was my today's haul. I hope you liked today's video. And if you did, do give it a thumbs up and share it with your friends. And don't forget to subscribe to my channel and hit that bell icon so that you get notified whenever I upload a video. Main aapko next time fir se kisi aur video ke saath milungi. Till then, bye bye.